बस बाप बनने की इच्छा थी और मेरी मुलाकात डॉक्टर फिरोज़ा पारिक से हुई एंड शी सजेस्टेड दिस प्रोसीजर एंड इट्स वेरी कॉमन, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट. सो मुझे जल्दी थी, मुझे बाप बनना था. आई एम गोइंग टू बी 40 दिस ईयर एंड दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद व्हाट वाज टोल्ड टू मी एंड आई डिड दैट. सो आई एम हैप्पी टुडे, मैंने सही डिसीजन लिया है, बहुत खुश हूँ. मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है. अभी हम पाँच हैं, टू ग्रैंड पेरेंट्स, मी, माई सिस्टर एंड लिटिल लक्ष. अभी तो बहुत छोटे हैं तो अभी कुछ महीने तो लगेंगे. दर आई एम वेरी सुपरस्टिशियस, मैं नज़र और सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ, तो मैं बच्चे को कैमरे के सामने या बाहर भी ले जाऊँगा. और वेदर भी बहुत ख़राब है अभी. एक दे ऑल आर ओवरजॉयड, दे वेरी एक्सटैटिक, दे वेरी सपोर्टिव ऑफ माई डिसीजन. आई वॉन्टेड टू बी अ सिंगल पेरेंट एंड माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू एंड माई सन लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी. सो इट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी एंड I don't have words to express how excited, how joyous I feel right now. It's just your own internal instinct. मैं तिरुपति गया था लास्ट ईयर एक दिन और तिरुपति मतलब के दर्शन होने के बाद मैं निकला तो मेरी मुलाकात एक प्रकाश झा से हुई, जो नामी फिल्मी डायरेक्टर है, और वो मेरी फ्लाइट में ही थे. तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये भी एक तरीका है, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड एंड यू वॉन्ट टू बी अ सिंगल पेरेंट, यू कैन फॉलो दिस प्रोसीजर. उन्होंने मेरी मुलाकात एक फैमिली से कराई जहाँ उन्होंने IVF और सरोगेसी के प्रोसीजर को फॉलो किया है. सो आई फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड, आई फेल्ट आई वॉज रेडी. मैं 40 साल का होने वाला हूँ कुछ ही महीनों में, तो मुझे लगता है कि मैं सही मोड़ पर हूँ अपनी ज़िंदगी के टू बी अ सिंगल पेरेंट.